लिया? यस सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही आपने ग्रेजुएशन भी किया था। यस सर। मुझे बताइए कि HVDC जो है उसका इस्तेमाल होता है आजकल लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन के लिए? यस सर। होता है ना? यस सर। उसमें स्टेप डाउन कैसे करते हैं? आप 330 KV पर DC ट्रांसमिशन कर रहे हैं, स्टेप डाउन कैसे करते हैं? थोड़ा समय ले सकता हूँ इसको सोचने के लिए। सर DC ट्रांसमिशन को सर जनरली सर हम स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर्स का यूज करते हैं, पर सर DC को हम यूज नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ट्रांसफार्मर AC पे वर्क करते हैं। तो सर इसके लिए पहले हमें इन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा। जब हम भी ट्रांसमिट करेंगे तो DC के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे, उसके बाद सर हम इन्वर्टर का यूज करेंगे, उसको AC में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम उसको स्टेप डाउन कर सकते हैं सर थ्रू हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स। देन व्हाट इज द होल गेन? ये तो क्या फायदा हुआ फिर इतना जब मेहनत करनी ही पड़ी? तो इज देयर अनदर वे आउट? क्या यही मेथड रहेगा?